मूवी के स्टार्ट में एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ था और उसका इस रिसर्च सेंटर में फर्स्ट डे था और वो बाय प्रोफेशन एक नर्स थी। और अब एलिजाबेथ को वहां पर डॉक्टर वेस्ट से मिलवाया जाता है। डॉक्टर वेस्ट एलिजाबेथ को पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और उसको अब डॉक्टर वेस्ट बताते हैं हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि अभी अनकॉन्शियस है और वो अगले 24 घंटों में दोबारा से जिंदा हो जाएगा और उसका तुम्हें पूरी तरह से ख्याल रखना होगा और हमेशा खुश रखना होगा। इसलिए अब एलिजाबेथ डॉक्टर वेस्ट की बातें मान जाती है और इसके बाद मूवी पास्ट में जाती है। ये साल है 2015 का। हम पास्ट में मार्क को देखते हैं जहां पर उसके डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको कैंसर है और वो लास्ट थर्ड स्टेज पर है और उसके पास जीने के लिए अब सिर्फ एक साल है। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। मार्क को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को लेकर रोड पर खड़ा हुआ था। तभी वहीं पर उसकी फ्रेंड आती है जिसको मार्क की कंडीशन के बारे में अभी अभी पता चला था और उससे गले लगकर कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी। और अब वो मार्क को अच्छा फील करवाने के लिए उसके सभी फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लान करती है लेकिन मार्क का इन सब चीजों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उठता है और उठकर अपने रूम में टैबलेट लेने चला जाता है। अब मार्क वापिस आता है और वापिस आकर अपने सभी दोस्तों को एक 7 साल पुराना आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पर करेंगे जिससे इंसानों के भी ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। अब मार्क को मरना नहीं था, उसको और ज्यादा जिंदा रहना था। और अब मार्क ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फ्रोजन स्लीपिंग में चला जाएगा यानी कि क्रायो स्लीप में और इसके बाद वो अपने फ्यूचर में ही उठेगा ताकि फ्यूचर के लोग उसके सेल्स को रीजनरेट कर दें टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक बार दोबारा से फिर जिंदा कर पाएंगे जो कि फ्यूचर में और ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। मगर वहीं पर दूसरी तरफ नायोमी मार्क के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखे। अब इस बात पर मार्क कहता है कि मेरे फादर को भी कैंसर था, उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया था मगर इसके बावजूद वो जिंदा नहीं रह पाए थे और मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊं। अब इस बात पर उसका एक फ्रेंड उससे कहता है कि डॉक्टर तुम्हें मरने के बाद ही इस स्टेज पर लेकर जा सकते हैं। अब इस बात के लिए भी मार्क ने आइडिया सोचा हुआ था। वो कहता है कि वो खुद को मार लेगा जिससे डॉक्टर्स को लीगल राइट मिल जाएगा उसकी बॉडी को क्रायोस्टेटिक स्टेज पर डालने के लिए। अब इसके बाद हमें फ्यूचर में दोबारा से दिखाया जाता है कि जहां पर डॉक्टर वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसान की बॉडी को बना रहे थे और इसके बाद कुछ देर बाद जो डॉक्टर वेस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी से इंसान तैयार किया था उसकी हम आंखें खुलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क है जिसे डॉक्टर ने उसके पुरानी बॉडी से सेल्स को रीजनरेट कर नई बॉडी में ट्रांसफर किया होता है उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए और जिस तरह न्यूबॉर्न बेबी के पेट पर कॉर्ड लगी होती है और अब मार्क की बॉडी पर भी ऐसी ही एक पाइप की तरह कॉर्ड लगी हुई थी जिससे मार्क को फूड सप्लाई दी जा सकती थी और अगर ये पाइप उसकी बॉडी से अलग हो गई तो वो कुछ ही घंटों के लिए जिंदा रह पाएगा। इसके बाद मार्क को डॉक्टर्स वहाँ पर एक डिवाइस देते हैं ताकि वो मार्क की जो पिछली जिंदगी थी उसकी यादों को एक मेमोरी में स्टोर कर सके जिसको डॉक्टर्स पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे क्योंकि मार्क वो इंसान था जिसको मरने के बाद दोबारा से जिंदा किया गया था। हमने मूवी के स्टार्ट में नर्स एलिजाबेथ को भी देखा था और अब इसको मार्क की केयर 100 डेज तक करनी होगी और अब 100 दिन तक मार्क को एक रूम में ही रहना था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर जाते हैं। मार्क की हालत बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही थी मगर मार्क अकेले रहने की वजह से बहुत ज्यादा खुद को अकेला फील करता था और अब उसको अपनी पिछली जिंदगी याद आ रही थी, नायोमी के साथ गुजारी हुई जिंदगी और अपने दोस्तों के साथ किए हुए मजे और पार्टीज। मार्क ने जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा था कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी मगर ऐसा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उसको चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही थी।
और अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाता है, उसके 100 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी बात की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर वेस्ट अपनी पूरी टीम को मार्क के पास लाते हैं। मार्क को एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें उसकी सभी पुरानी चीजें रखी हुई थी। और अब उन सब चीजों को देख कर मार्क को अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही थी। यहाँ पर नियोमी का एक लेटर भी मिलता है जो वो लेटर एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए देता है। वो उसको पढ़कर सुनाती है जिसमें नियोमी ने लिखा था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन मार्क बेशक स्लीप में था, लेकिन नियोमी की हालत उसके बगैर खराब हो जाती है। और जब नियोमी भी 50 साल की हुई थी तो उसने भी क्रायोजेनिक स्लीप में जाने का फैसला किया था, जिससे वो एक बार फिर मार्क के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन अब जब वो नियोमी का लेटर सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। वो सोचता है कि कैसे उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। और अब वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है। वो नियोमी के पॉट के पास जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी को रखा गया था। मार्क डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो नियोमी को पहले की तरह जिंदा कर दें, जैसे उसको जिंदा किया गया था, मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर उसको बताते हैं जब उन्होंने नियोमी की बॉडी को क्रायोस्लीप में डाला था तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, और इसीलिए वो अभी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी बॉडी को दोबारा से रिजनरेट नहीं कर सकते। और अब ये सब कुछ सुनकर मार्क अपने आप को नियोमी की इस हालत का जिम्मेदार समझ रहा था, और वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। अब वहीं पर सभी डॉक्टर्स मार्क के बदलते हुए रवैये को नोटिस कर रहे थे और इस पर डिस्कशन कर रहे थे। एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर जाने देना चाहिए ताकि जब वो बाहर की दुनिया को देखेगा तो शायद वो नियोमी को भूल जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमें मार्क को थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो खुद ही से नियोमी की यादों से बाहर निकल पाए। मगर अब कहीं ना कहीं एलिजाबेथ भी मार्क से अट्रैक्ट हो रही थी और उसको उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब एक दिन डॉक्टर वेस्ट के जाने के बाद मार्क उनके रूम की कीज चुरा लेता है। उनके रूम में जाकर उसको वहाँ पर डॉक्टर वेस्ट की माइंड रीडर डिवाइस मिलती है। वो जब उस डिवाइस को पहन लेता है तो उसको डॉक्टर वेस्ट की सभी पुरानी यादें और उनकी लाइफ में किए गए एक्सपेरिमेंट दिखाई देने लगते हैं। और यहीं पर मार्क को पता चलता है कि उससे पहले डॉक्टर वेस्ट ने लोगों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मगर डॉक्टर वेस्ट के सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। डॉक्टर वेस्ट ने लोगों को जिंदा तो किया था मगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो गई थी। लकीली मार्क पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मार्क डॉक्टर वेस्ट से मिलने आता है और उनको आकर कहता है कि वो सब लोगों की डेथ के जिम्मेदार हैं जिन पर डॉक्टर वेस्ट ने सभी एक्सपेरिमेंट किए थे। डॉक्टर वेस्ट अपनी सभी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कुछ टाइम के बाद मार्क दोबारा से नियोमी के स्लीपिंग पॉड के पास जाता है और वहीं पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। मार्क उसको अपनी पुरानी लाइफ की बातें बताता है कि कैसे उसने क्रायोजेनिक स्लीप में जाने से पहले अपनी जान दे दी थी और जहर पी लिया था। और आगे वो बताता है कि उसने अपने फ्यूचर लाइफ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था जैसी उसकी ये फ्यूचर लाइफ चल रही थी, और अब उसको जैसी जिंदगी मिली है उसकी पुरानी जिंदगी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। और अब वो एलिजाबेथ से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद की जान दे सके और वो इस पेन से बाहर निकल पाए, मगर एलिजाबेथ रोते हुए उसे मना कर देती है क्योंकि एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं मार्क से प्यार करने लगी थी। और अब जब मार्क अपने रूम में आ जाता है तो एलिजाबेथ भी उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है और साथ ही उसके कान में उस मेडिसिन का नाम भी बता देती है जिसे पीकर वो आराम से मर जाएगा। और मार्क अब रिसर्च सेंटर के लैब में जाता है और वहाँ पर वो एलिजाबेथ की बताई हुई मेडिसिन ढूंढने लगता है। और अब जब वो जहर पीने वाला था तभी उसको अपनी लाइफ का फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ पर उसने पहले भी जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। और अब मार्क वो बॉटल लेता है और दोबारा से
योमी के स्लीपिंग पॉड के पास आ जाता है। अपनी यादों को याद करते हुए वो मेडिसिन पी लेता है और साथ ही साथ स्लीपिंग पॉड की पावर सप्लाई को काट देता है, ताकि अगर नियोमी को भी जिंदा किया गया तो वो भी इन्हीं फजूल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाएगी। और अब वो उधर ही बैठ कर अपने मरने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है, माँ की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने सभी डॉक्टर्स थे। डॉक्टर वेस्ट उसको बताते हैं कि तुम्हें कैंसर से नहीं मरना था, इसीलिए तुमने जहर पीकर अपनी जान दी थी दूसरी जिंदगी के लिए, और अब तुम इस अपनी दूसरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। साइसी टेक्नोलॉजी ने तुम्हें अपनी लाइफ गुजारने का एक और चांस दिया है और तुम इस चांस को जाया नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।